दिखाइए तो। तू मरेगा बेटे बब्बू, फौजी फौजी बहुत मारूंगा, बहुत बहुत मारूंगा सस्ते फौजी। अरे कोई होगा साले ने नाम चेंज करे पता, और बढ़वे कौन है तू मार दे चल गया आ गया बैन कलोड़ा साला फौजी। बोला था भाई वेक अप टू रियलिटी। अरे ब्रो क्या पीलते हो ब्रो, अरे 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 ब्रो कर दिए ब्रो। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में आपको एक ब्रांड न्यू आईफोन 14 मिल सकता है, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। पर यार वो मैच बॉस आउट हो गया, लेकिन मैं आपके लिए मौका फिर से लाया हूँ, तो हो जाओ तैयार। इस बार इंडिया के साथ साथ आप भी जी सकते हो। आपको मिलेगा आईफोन 14 सिर्फ 1 रुपए में, साथ ही आपको मिलेगा 5,000 रुपए का बोनस कैश सीधा आपके वॉलेट में। तो जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहना। अपनी गन को मैक्स करके किल फीड में नाम तो चलाएगा, लेकिन जैसे हम मारते हैं बंदों को वैसी स्किल्स कहां से लाएगा। तो भैया आज के इस मैच में महंगी महंगी कार वाले बंदे आए थे, और वो मेरे को नकली फौजी सीजे गेमिंग समझ रहे थे, और उस वजह से उन्होंने भैया मेरे को दबा दबा के गाली दी। अच्छा। अब वो तो मुझे नकली समझ रहे थे, लेकिन मैं तो भैया असली था, इसलिए यार वो गालियां ना मेरे डायरेक्ट दिल में जाके लगी। तो उन गालियों का बदला अपन गोलियों से लेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको मजा टाइप का जाएगा। पर फिलहाल हम उतरे हैं इग्लू में, तो चलो पकड़ते हैं यार बंदों को। अभी जो उतरते ही आप लोगों ने क्लास देखना, इसके लिए भैया शुरुआत ही में एक तो लाइक हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्लच आज की इस वीडियो में आप लोग बार बार लगातार देखोगे। अरे यार साला हीरो बनता ही उतना ही टाइम कोई मेरे को जीरो क्यों बना देता है, जल्दी है नंबर 1 बचा बचा बचा। थैंक यू। ए बम का साइन आ रहा, भाग 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 भाग। हेलो कहां जा ए नंबर 1, ये बम तुमने फेंकी थी? अरे पहले बोला था ना मैंने कि भागो वहां। अरे पागल हो क्या तुम, ये बम क्यों फेंकी थी? कसम से यार लड़कियों की दोस्ती ना जी का जंजाल। तो भैया यार यहाँ पे बहनी तो बहुत अच्छी हुई, मतलब वो जो 4 किल की ना वो तो बिल्कुल अलग ही लेवल के थे, लेकिन उसके बाद बेइज्जती पे बेइज्जती, बेइज्जती पे बेइज्जती, बहुत तकलीफ होती है। पर कोई ना, बेइज्जती को रिकवर करेंगे। पर फिलहाल हम लोग उतरते हैं पोचंग की, क्योंकि 3 नंबर के बताए अनुसार यहाँ पे बंदे होते हैं, तो देखो यार अब आगे क्या होगा। अब एक को मैंने नॉक किया और फिर सीधा सकॉट हाउस में छलांग लगा दी। और ये लो दूसरा भी गया, तीसरे की भी फुटस्टेप आ रही। बहुत है। मेरे नॉक। और ये हमारे सम्मानीय आदमी बोर्ड दादा थे। तो भैया यहाँ पे सिर्फ 2 ही बंदे निपटाए, बाकी सारे के सारे हमारे बोर्ड दादा थे। तो उनको निपटाने के बाद यहाँ से हम लोग 7 बॉल को कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद ड्रैगन को बुला रहे होते हैं। पर भैया हमारे बुलाने के पहले ही किसी और बंदे ने मिल्टा में बुला लिया, तो मैंने बोला यार एक काम करो फटाक से मिल्टा चलो, लेकिन उतने ही में यहाँ बंदे जाते हैं। और ऊपर आ गया
और ये था वो एक्सूट वाला जो कि भैया मेरे को दबा दबा के गाली दिया था यार। बेटा तुम खेलते हो गाली देकर क्योंकि यही भरा है तुम्हारे संस्कारों में। और मार सको फौजी सीजे को, इतना दम नहीं है तुम चारों में। चलिए बात करते हैं कि कैसे आप जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 14, वो भी सिर्फ ₹1 में, साथ ही ₹5,000 का बोनस कैश। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करिए माई 11 सर्कल और टीम बनाइए 10 सितंबर को होने वाले इंडिया वर्सेस पाक मैच के लिए। गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो शानदार आईफोन 14। इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस सिर्फ ₹1 है और ये कॉन्टेस्ट सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए वैलिड है, साथ ही सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर के लिए ही है। अगर पिछली बार मिस कर दिया है तो इस बार मत करना, और अगर पिछली बार ज्वाइन किया था तो फिर आपको सेकेंड चांस मिलेगा इस कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करने का। सो जल्दी से जाके ज्वाइन करो, बहुत लिमिटेड स्पोर्ट्स हैं। डिपॉजिट करते ही आपको मिलेगा पूरे ₹5,000 का बोनस कैश, चाहे आप हारो या जीतो। ये ₹5,000 का बोनस कैश सीधा आएगा आपके माई 11 सर्कल अकाउंट में। टॉप प्राइज में जीतो महेंद्र थार जो कि एशिया कप टूर्नामेंट के हर मैच में मिलेगी। मेरा कूपन कोड यूज करो फौजी23 तो आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश माई 11 ऑन फर्स्ट डिपॉजिट। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट, सो डाउनलोड नाउ। अब चारों में इसलिए बोला क्योंकि इसके दो बंदे और आ गए। अरे नंबर वन, तुम काय हो चक रही हो यार, इतना अच्छा खासा उसको मौली मारा था फिर ही फोकट में नॉक कर दी। कब कब अभी ये अभी तो की नंबर नॉक। खैर मेरे टीममेट के बताए अनुसार भैया इनका लास्ट बंदा भाग के चर्च में चला जाता है, तो मैं बोलता हूँ चलो यार लगे हाथ उसको भी निपटा दें। इसलिए मैं फटाक से अपने टीममेट से उधारी बारी करके उड़ने वाली पावर लेता हूँ, और जैसे ही उड़ने के लिए सोचता हूँ तभी मोमो चाहिए। अरे ये तो एक सूट वाला है साला, दोबारा जन्म ले ली। चल 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 रस करो, रस गाड़ी स्टार्ट कर। तुम लोग गाड़ी से आओ। चले बैठिए, चले बैठिए, चले बैठिए। कभी भी अकेले मस्ती नहीं, हमेशा यारों की टोलियों के साथ करता हूँ। और मैं तुम्हारी तरह गाली देकर नहीं, सीधा गोलियों से बात करता हूँ। तो यार इन गाली वाले बंदों को भैया दो दो बार गोलियों से निपटाया, तो इस बात के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, तो सब्सक्राइब के लाल बटन को ठोकना मत भूलना। ओए बंदे पीछे, चलो चलो जो रश करो और तुम लोग गाड़ी चलो, जैसे चलो 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 बहुत अब एक को तो काम है हमें दे के निपटा दिया, लेकिन दूसरा दिख नहीं रहा था। अभी साला यहीं पे छुपा था। तो भैया फाइनली इन दोनों को भी निपटा दिया, और इसी के साथ पोचंकी का इलाका अब पूरा का पूरा खाली हो जाता है। तो फिर हम लोग यहाँ से लूटा लाटी करने के बाद काफी देर तक बंदों को ढूंढते हैं, लेकिन कोई नहीं मिलता। तो फिर मैंने बोला यार एक काम करो, गोरे गोपाल की तरफ चलो। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ आते हैं तभी ब्रिज में हमें एक गाड़ी दिखती है, और फिर Watch out, watch out, watch out. Hey,
बहुत खाया है यार। अब मेरे रैंडम टीममेट ने कहा बहुत खाया है यार, तो मैं फटाक से उड़ के सीधा यहाँ आया और पेड़ के पीछे मौली फेंका। अब दो बंदे नॉक किए और ये एक की किल भी मिल गई, लेकिन जैसे ये दूसरे की किल मिलेगी ना तो किल हो जाएंगे 17। मेरे सबसे हाईएस्ट किल भी है। और जब किल हो जाते हैं 17 तो कंटेंट में हो जाता है खतरा। तो देखा भाई लोगों, पीछे भी बंदे आ गए। अब ऐसे हालात में भैया आगे भी बंदे पीछे भी बंदे, तो लेटे रहेंगे तब तक जिंदा रहेंगे, जैसे ही उठे तो कहानी खत्म। अब देखो ये पत्थर वाला बंदा उड़ के जा रहा है, तो मेरे को लगा कि भैया यही एक मौका है, फटाक से अपन भी उड़ के यहाँ से निकल जाते हैं। तो मैंने अपने टीममेट को कहा उड़ो उड़ो, वो आगे पर साला पत्थर में एक तो नहीं दो दो ठो बंदे थे। और ये लो स्मोक कर रही जरी की सीधे आते। तो यार आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भैया जब किल हो जाते हैं 17 तो ऐसा ही होता है कंटेंट में खतरा। खैर एक और गेम प्ले है अभी, रुको जरा सबर करो। तो भैया इस गेम प्ले में हम लोग उतर रहे होते हैं विलेज, और ये देखो ऊपर छाता ही छाता। अब इनको देख के साला कमजोर दिल वाला तो वैसे ही डर जाए जैसे कि मैं। अच्छा। तो डर तो गया था लेकिन लैंडिंग सही हो गई। तो फिर फटाक से मैं गन उठाता हूँ और देखो भागे। अरे कहाँ भाग गए, मारने स्टार्ट कर दो ना बस। मारने स्टार्ट करो, तुम बस मारो दो, वो मारो पीछे बॉय, रुको 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 कुछ करो। ऑसम, ये जाने मत, ये लो इसको मारो इसको। व्हाट आर, अब दो बंदे निपटा दिए और ये मौली फेंक गया। यहां देखो डैमेज है। अरे राइट से आएगा है। तो भैया किल हो गए 3 और सीन ये है कि भैया सामने एक बंदा होता है लेकिन मैं उसको मार नहीं पाता क्योंकि पट्टी लगा रहा था। पर फिर इन बोट दादा को निपटा के मैं यही मान लेता हूँ कि मैंने उस असली बंदे को निपटा दिया। और ये लो ये असली बंदे की भी किल मिल गई, पता नहीं किसने नॉक किया था। और इसी के साथ मेरे आजू बाजू वाले बंदे तो सारे निपट गए, अब थोड़ा आगे देखते हैं। इधर आओ इधर आओ, मैं बैठा हूँ। अब सामने मैंने दो टू बंदे नॉक किए तो मैंने बोला भैया फटाक से रस करो, लेकिन उतना ही में ये साला उड़ के भाग गया। खैर गोलियां बिल्कुल नहीं थी और वो सामने एक बंदा उनको रिवाइव करने जा रहा था, और एक बंदा लंदन वाली बिल्डिंग में भी था, तो डर ये लग रहा था कि भैया वो मेरी किल न चुरा ले। और ये एक और नॉक। अब भैया 6 किल हैं और अगर मेरी 9 किल हो गई तो मतलब वहाँ पे मेरी एक भी किल चोरी नहीं हुई। और ये लो भैया सटाक से नॉक किल। खैर अब बचा है सिर्फ एक लंदन वाली बिल्डिंग में बंदा, तो मैं इनकी पेटी से फटाक से मौली वोली लूटता हूँ और फिर फेंक देता हूँ। पार। अब तो ऊपर है। अरे बहनचोद। इधर भी है, देख का फौजी भाई। पर एक बंदा बाजू वाले घर में भी होता है, तो भैया इसकी तो मौली से पेटी बना दी, अब बाजू वाले की बारी। चलो बाला।
अब आगे वाले को देखो, मिल जाएगा उसका किल। नेट डाला, नेट डाला, चलो चलो। एरोप्लेन की पंखड़ी हुआ कार का पहिया, जब तक न बन जाए पेटी गोली रुकनी नहीं चाहिए भैया। और लो भैया, इसी के साथ ये इग्लू का पूरा इलाका खाली हो जाता है, ऐसा हमें लग रहा था। अभी बंदे और बचे हैं, वो देखो सामने। राइट भी है शायद, देखना है कुछ, मुझे दिखा। अब इसको तो मैंने निपटा दिया, लेकिन मैंने वहाँ पे एक और बंदा देखा था। नहीं है क्या? राइट, चलो फिर। और ये जैसे ही गोली चली तो मुझे पता चल गया कि वो कहाँ है। अरे नहीं, सब ठीक था यार, लेकिन ये साला जो लैंडिंग हुई ना, ये बिल्कुल लैंडिंग जैसी हो गई यार गाइस। ये देखो ना, ये कैसा उतर रहा मेरा बंदा, एनिमेशन कैसा दे रहा है। भैया अपन कोई पिक्चर की शूटिंग नहीं कर रहे थे यार, बंदे को मारने उतरे थे। तो यहाँ पे भाई लोग थोड़ा सा गलत सीन हो गए, लेकिन वो कहते हैं ना, जो गलत है वो ही चलत है, इसलिए जो हो रहा है उसे चलने दो। फिलहाल इनको निपटाने के बाद इग्लू में फिर से बंदे जाते हैं, तो मैंने बोला भैया फटाक से उड़ के चलो बिना किसी देरी के। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हागा, लेकिन उसको साफ करने के लिए मैंने सोचा कि कामयाबी मारूं। क्या गजब बे, तूने किल चुरा ली। मैंने मारा और क्या, पहली बार किसी उड़ने वाले बंदे को कामयाब से नॉक करने वाला था, लेकिन उसमें भी भैया जादू ने किल चुरा ली। खैर उसके बाद हम लोग यहाँ पे पेटी लूट ही रहे होते हैं। तो भैया यहाँ पे एक तो बंदा और था जिसको अपन ने सस्ते रिफ्लेक्सेस से निपटा दिया और जादू को भी बचा लिया। तो फिर हम लोग यहाँ से लूटा लाटी करने के बाद सीधा जाते हैं स्कूल अपार्टमेंट की तरफ, और यहाँ आते ही देखो क्या होगा। पूरा समर्पित कर दो। अब एक को तो निपटा दिया, लेकिन दूसरा बाला उड़ के सीधा मेन बिल्डिंग में चला जाता है। तो फिर मैं भी ऊपर आता हूँ। और यहाँ आके पता चलता है कि भैया वो तो ब्रोकन बॉल में बैठा है। तो मैंने बोला यार मैं कामयाब मार रहा हूँ, तुम लोग उसके ऊपर गोली चलाना। अब एक चांटा तो पड़ा पर वो नॉक ना हुआ, तो फिर मैंने फटाक से मोमोज खाया और उड़ के उसके पास गया। अबे ये साला कहाँ कूद जाता है यार, बंदा मैं साइड कूद रहा था। अबे तो भाई पोत लाल हो गया, तो नीचे ना कूदूंगा क्या। अब ना यार यहाँ पे वो जादू की पेटी बना देता है, तो मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, मैं तेरा बदला ले लूंगा, टेंशन मत ले। एक ही फुट आ रहा है, राइट में क्या, राइट में। लेकिन वो बंदा भैया फिर अचानक से इस बिल्डिंग से गायब हो जाता है, मिलता ही नहीं है यार। लेकिन फिर मेरे टीममेट ने बताया कि उसने यहाँ से एक बंदे को आगे जाते देखा, तो हम लोग वहाँ पे भी ढूंढते हैं पर वहाँ पे भी कोई नहीं मिलता। तो फिर हम लोग सीधा रोजो की पहाड़ी में आते हैं, और यहाँ आते ही देखो क्या होगा। गाड़ी खड़ी है, वही गाड़ी खड़ी है, अब बंदा है, बंदा है। अब पहले मेरे को एक ठो बंदा दिखा था, तो मैंने सोचा कि उसको बैठे बैठे मार दूंगा। उतरे क्यों नहीं गाड़ी से? अरे अब क्या बताऊं भाई, विनाशकाली विपरीत बुद्धि यार। अरे मारो,
अच्छा हील कर रहे हो, हील लगा रहे हैं। अब इसको नॉक किया लेकिन जैसे ही पेटी बनाई तो किल हो गया 17। तो मैंने सोचा यार फटाक से टीममेट को रिवाइव करता हूँ क्योंकि 17 मैं अकेले नहीं झेल पाऊंगा और ये लो। उतना ही में सामने से गाड़ी आ रही होती है तो मैं बोलता हूँ भाई ये कुचल ना दे यार, इसलिए मैं उठ के भागता हूँ। ठीक है मार देना। अबे बंदे में घुस गया गाड़ी में। भाई लोग अब क्या बताऊं यार, साला ये तो कभी खत्म ही नहीं होता यार, बहुत बुरा लग रहा है यार भाई लोगों। तो यार आज की इस वीडियो में इतना ही था, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। अगर मजा आया हो तो लाइक करना, चैनल में ना हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, साथ ही कर देना अपने दोस्तों को शेयर। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड करो माय 11 सर्कल और जीतो आईफोन 14 और साथ ही 5,000 रुपए का बोनस। तो प्राइज में जीतो महिंद्रा थार, मेरा कूपन कोड FOZZY23 यूज करो और पाओ 20% एक्स्ट्रा कैश ऑन फर्स्ट डिपॉजिट अपने माय 11 सर्कल अकाउंट में। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट, डाउनलोड नाउ। तो मिलते हैं कल को नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।